हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ HBO की सीरीज दी आउटसाइडर की एंडिंग एक्सप्लेन पार्ट 2 वीडियो के बारे में, जिसमें मैं बाकी की कहानी को कंटिन्यू करूंगा, जिस कहानी को मैंने अली पर लाकर खत्म किया था कि किस तरीके से वो खुद की जान जैक से बचाकर अब अपने लोगों के साथ में है, जहां पर अब उसे पता है कि आगे करना क्या है, यानी हॉली पूरे प्लान के साथ रेडी है और हाँ, अल कुको को पकड़ने के लिए भी। तो अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन को। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आती है, मेरे इस वीडियो को लाइक ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। खैर, तो अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हॉली को, जिसने अब सभी को ये कहा है कि वो लोग ये पता लगाए कि जब वो एल कुको टेरी की शक्ल में था तो उसने आखिरी टाइम किसे स्क्रैच किया था। जिसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव रेल को ये बात काफी आसानी से पता चल जाती है कि आखिरी कनेक्शन टेरी का और किसी से नहीं बल्कि बारटेंडर क्लूड से हुआ था। और वीडियो फुटेज में देखने के बाद ये बात साफ साफ रेल के समझ आ जाती है कि क्लूड ही वो शख्स है जिसे टेरी ने स्क्रैच किया है। और धीरे धीरे क्लूडी का बर्ताव भी बार में बदलने लगता है, जिसके चलते वो छुट्टी लेकर वहां से चला जाता है अपने भाई के पास। और किसी न किसी तरीके से रैल्फ और उसकी टीम के लोगों को उसे पकड़कर बस एक जगह पर रखना है, ताकि जब मर्डर हो तो वो लोग उसे बेगुनाह करने में साबित हो, और ये भी कि मर्डर होने से पहले वो लोग ये पता लगा ले कि एल क्यू को किसका मर्डर करेगा। जिस मिशन में अब हॉली का बॉयफ्रेंड एंडी भी शामिल हो गया है, यानी एक तरीके से अब हॉली को पूरा ट्रस्ट एंडी पर हो गया है, क्योंकि पहले उसे भरोसा नहीं था कि एंडी उसके लिए अपने टाउन से उसे मिलने के लिए आएगा, जो कि वो आया क्योंकि उसे हॉली की हर एक बातों पर भरोसा है और इसलिए वो हॉली का साथ नहीं छोड़ना चाहता। और अब वो सभी लोग मिलकर लॉर्ड को रोकना चाहते हैं, क्योंकि पहले रैल्फ ने इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना कर एक बड़ी गलती की है क्लाउड पर नजर ना रखने की। ऐसे में अच्छा खासा टाइम भी निकल गया है। और दूसरी तरफ आ जाए जैक पर, तो जैक ने पुलिस को चकमा देकर अपने ही घर से काफी सारी गन्स को उठा लिया है, यानी वो एक वॉर के लिए रेडी है। और अब क्लाउड पर आ जाए तो क्लाउड अपने होम टाउन टेनेसी पहुंच गया है अपने भाई से मिलने, जिसका नाम है सेल। और सेल दिमाग से थोड़ा संकी है, जो कि हमें उसके कैरेक्टर को देखकर काफी आसानी से समझ आ जाता है। तब जब रैल्फ उसी स्टेट में कॉल कर उन दोनों को कस्टडी में रखने के लिए कहता है, जहां पर क्लाउड का भाई पुलिस वालों से सही बर्ताव नहीं करता, जिसके चलते उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर बाद में रेल अपने साथियों के साथ पहुंचकर उसे छुड़ा लेता है और अपनी कस्टडी में उसे और उसके भाई को और कहीं नहीं बल्कि उन्हीं के घर में रखता है, ताकि वो दोनों वहां से बाहर ना जा पाए जब तक एल क्यू को पकड़ा नहीं जाता। और दूसरी तरफ आ जाए एल क्यू को पर, एल क्यू को अब जैक के साथ है, जहां पर जब भी एल क्यू को भूख लगती है तो जैक उसके लिए कभी हिरन लाता है तो कभी एक शख्स, जिसे खाने के बाद भी एल क्यू की भूख नहीं मिटती, क्योंकि वो शख्स कैंसर से भरा होता है। उसके बाद फिर से जैक एल क्यू के लिए एक जानवर मारकर लाता है, यानी गन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड के इस छोटे से टाउन में एक फेयरवेल भी लगा हुआ है, जहाँ पर काफी सारे लोग आ रहे हैं और एल कुको ने वहीं पर अपने टारगेट को भी चुन लिया है, जो कि एक छोटा बच्चा है जो सभी के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहता। इसलिए मौका देखकर वो एक वुल्फ मास्क पहनता है और उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है, ये बोलकर कि वो उसे और भी काफी सारे अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा। बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उस बच्चे की बहन अपने भाई को उस दूसरे शख्स के साथ जाते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है और उस बच्चे के ग्रैंडफादर आगे आकर उस एल कुको को रोक देते हैं। बदले में उनकी थोड़ी हाथापाई होती है और एक शख्स बगल में खड़े मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जहां से एल कुको खुद को बचाते हुए भाग जाता है। और फिर वो शख्स पुलिस स्टेशन जाकर सारी की सारी सिचुएशन उन डिटेक्टिव्स को एक्सप्लेन करता है, वो भी उस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। और उसी रात रैल्फ ये नोटिस करता है कि क्लाउड का बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग हो गया है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उस टाइम पर एल कुको भी कुछ इसी तरीके का फील कर रहा है, यानी टेंशन, वो भी एक फेलियर की। और सुबह के वक्त डिटेक्टिव्स क्लाउड को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी टीम के साथ है, और वो उन डिटेक्टिव्स को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि पूरी रात क्लाउड उन्हीं के साथ था। और हाँ, आ जाए हॉली पर, तो हॉली को एक और विजन आता है खुद की मौत का, तब जब वो डिटेक्टिव जैक से बचकर भाग रही थी। यानी बीच बीच में हॉली के साथ ऐसी बुरी सिचुएशन होती रहती है, यानी उसे बुरे विजन आते रहते हैं खुद की मौत के। और अब हॉली ने ये भी पता लगा लिया है कि एल क्यू को इसी टाउन के किसी ग्रेवयार्ड में छुपा होगा, जिसके बाद वो सील से ये पूछती है कि इस टाउन का ग्रेवयार्ड है कहाँ, या फिर उनका फैमिली ग्रेवयार्ड। इसके जवाब में सील ये बताता है कि बचपन में 40s के टाइम पर उसके अंकल एक केव में
में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए उसकी आधी से ज्यादा फैमिली और टाउन के कुछ लोग उस केव में गए थे और अंदर ही फंसकर मारे गए थे। और ये वही केव है जहाँ पर वो अल्क्यू को उस बच्चे को ले जाने वाला था, यानी हॉली का अंदाजा बिल्कुल सही लगा है। जिसके बाद रैल प्लान बनाता है किस तरीके से वो लोग अंदर जाकर अल्क्यू को वहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि ये सच अगर लोगों के सामने आया तो लोग इस पर काफी अजीब रिएक्ट करेंगे। और फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो सभी लोग अल्क्यू को मारने के लिए निकल जाते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हॉवर्ड क्लाउड को अपने साथ ले जाते हैं बाहर ताकि इस प्लान की डिस्कशन उस तक ना पहुंचे, क्योंकि अल्क्यू और क्लाउड एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सील यहाँ पर सारा का सारा प्लान अपने भाई और हॉवर्ड को बता देता है। जिसके बाद क्लाउड अपने भाई पर भड़कता है और सीधे पहुंच जाता है उन सभी को रोकने के लिए, जहां पर अब जैक स्नाइपर की मदद से उन सभी को मारने के लिए रेडी बैठा है। बट इन सब में काफी देर हो जाती है और जैक अपनी पहली चाल चल देता है, वो भी उन सभी को वहां पर ट्रैप कर। इनमें से जैक एक डिटेक्टिव हॉवर्ड और हॉली के बॉयफ्रेंड एंडी को मार देता है, यहां तक कि क्लाउड के भाई सील को भी, जिससे अब क्लाउड पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया है और एक बड़े टेंशन में भी। और फिर हॉली जैक का फेस करते हुए उसके सामने आती है कि वो नर्क में सड़कर मरेगा, जो बात जैक को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। जिसके बाद जैक अब इन चीजों को और नहीं सह सकता और अल्क्यू को उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, बट फिर भी जैक उसकी बात नहीं मानता, यहाँ तक कि अब वो खुद का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। जिसके चलते पहले तो वो खुद को स्नेक से बाइट करवाता है और नीचे जाकर सभी को ये बता देता है कि वो केव में बैठा हुआ है। इतना बोलकर जैक खुद को स्नाइपर से मार लेता है और अब रास्ता साफ है रैल्फ के लिए कि वो जाकर अल्क्यू का फेस करे। बट अब इस केव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम साउंड की है, यानी जरा सी आवाज इस पूरी केव को ढाल सकती है, यानी अंदर गन फायर नहीं किया जा सका। जहाँ पर अल्क्यू क्लाउड की पूरी शक्ल में है और एक तरीके से वो क्लाउड को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो उसे इतना उकसाता है कि क्लाउड उस पर फायर करे, जो कि क्लाउड करता भी है। लेकिन उससे पहले वो रैल्फ को यही एक्सप्लेन करता है कि बच्चे उसे कितने ज्यादा पसंद है खाने में, यानी वही उनका टेस्ट। तो केव की सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है रॉक के हटने से। जिसके बाद पहले हॉली अल्क्यू को देखती है और उसे नाइफ से उसके हार्ट पर स्टैब करती है। जिसके बाद रैल्फ उसे हटने के लिए कहता है और वो तीनों उस केव से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर फिर रैल्फ आकर ये कंफर्म करता है कि अल्क्यू को मरा नहीं। जिसके बाद वो उसे टॉर्चर करते हुए यही कहता है कि उसके पास एक मौका है लोगों के सामने सच रखने का, सच कि अल्क्यू को एग्जिस्ट करता है। जिसके बाद में कुछ लोग आएंगे और उसके डीएनए सैंपल से ये पता लगाएंगे कि वो चीज क्या है, या फिर वो दुनिया के सामने इस राज को राज ही रहने दे। जिसमें से रैल्फ अपने उसी सेकंड ऑप्शन को चुनता है और अल्क्यू की चेंज हो रही उस शक्ल को स्टोन से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर हम अल्क्यू को उन सभी विक्टिम की शक्ल लेता हुआ देखते हैं जिसे उसने टारगेट किया था, और वहीं पर एक ग्रीन हुडी भी जिसे पहनकर अल्क्यू को अपने अगले प्लान के लिए निकलता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ना तो उसे खाने के लिए उस फेयरवेल में वो बच्चा मिला और ना ही जैक ने उसे सिचुएशन से बचाया। लेकिन मरने से पहले हॉली ने उस क्रिएचर से ये भी पूछा था कि उसके जैसे और भी है या नहीं, जिसके जवाब में अल्क्यू को यही कहता है कि वो कभी कभी सेंस करता है कि उसके जैसे और है, बट फिलहाल तो वो खुद के जैसे और किसी भी अल्क्यू को से नहीं मिला तब से जब से वो अर्थ में रह रहा है, और वो आगे भी अपने इस मौत के साइकिल को इसी तरीके से कंटिन्यू रखता अगर हॉली खुद में विश्वास रखकर उसे पकड़ नहीं लेती। यहाँ तक कि हॉली ने बाकी सभी को भी यकीन दिलाया कि वो एग्जिस्ट करता है, और यहीं पर उसकी हार हुई, जबकि पहले उसके केस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, यानी कभी भी लोगों ने अल्क्यू के एग्जिस्ट पर विश्वास नहीं रखा, बस उसे कहानी ही समझते रहे, यानी एक बोगीमैन जो बच्चों को आकर डराता है जो कि असल में एग्जिस्ट करता था। लेकिन हॉली की बात करें तो जब हॉली अल्क्यू को नाइफ से स्टैब करती है तो उस टाइम पर उसे टेरी का नाम तक याद नहीं रहता जिसके लिए उसे हायर किया गया था, यानी टेरी का इस केस से नामो निशान मिटा देना, जो वो इस केस में इन्वॉल्व होकर पूरी तरीके से भूल गई। यानी यही अल्क्यू की पावर हमें ट्रेन करती है कि किस तरीके से अगर लोग उसके पीछे लग जाए तो वो बाकी सभी चीजें भूल जाते हैं, जो हॉली के साथ भी हुआ है। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से रैल खुद में कॉन्फिडेंट था, जिसके बाद वो केव में फिर से वापस गया, भले से ही उसे रास्ते में उसका बेटा और फ्रैंक का भाई क्यों ना नजर आए जिसे रैल्फ ने अपने हाथों से मारा था। यानी यहाँ पर रैल्फ ने अपने डर पर काबू करना सीख लिया है, और हाँ, चीजों में विश्वास करना भी, इसीलिए वो इसके थ्रू आगे जा पाता है। यानी देखा जाए तो रैल्फ को किसी भी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं, जो वो इस सीरीज में बार बार लेता रहता है अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए। और दूसरी तरफ रैल्फ की वाइफ भी घर की उस चेयर को निकालकर गार्डन में जला देती है, क्योंकि वो भी अब इन सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहती है। और बाहर निकलकर रैल्फ अली को और अपने पार्टनर यूनुस को सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि अब वो लोगों के सामने इस इंसिडेंट्स को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हुआ उस पर कोई दूसरा भरोसा नहीं करेगा। बट यहाँ पर किसी न किसी तरीके से रैल्फ टेरी का नाम इस केस से निकलवा देता है, जैक को इंक्लूड करवाकर, जो यूनुस कॉल कर अपने हेड को बताता है कि एक शूटर ने इस तरीके से उनके बाकी पार्टनर्स को मारा, जिसका नाम सुने बिना ही डिटेक्टिव कैनेट वहां पर जैक का नाम लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जैक भी इन सब में शामिल है, और अब पूरा का पूरा बिल जैक पर ही फटा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं टेरी की फैमिली को जीने की उम्मीद मिली है, क्योंकि डीए टेरी की वाइफ के पास जाकर उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि उसके पति का नाम इस केस से हटा दिया गया है, और कोर्ट के साथ साथ न्यूज में भी यही सारी बातें चलेगी, जो टेरी को इंसाफ दिलाएगी और उसकी फैमिली को भी। और दूसरी तरफ रैल्फ आखिरी बार हॉली को गुड बाय कहता है और जाने से पहले उसे यही कहता है
है कि वो एक बार फिर से उसके साथ टीम अप करके काम करना चाहेगा, क्योंकि इस काम में उसे बहुत ज्यादा मजा आया। पर जाते जाते हॉली उसे यही कहते हैं कि वो आगे और भी एक्सप्लोर करना चाहती है, यानी जिस चीज का उसे जिंदगी भर पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो शायद हो सकता है कि इसके अलावा भी दुनिया में और भी काफी अलग अलग चीजें होगी जिसे अब वो शायद इसके सीजन 2 में एक्सप्लोर करे। क्योंकि सीजन 1 को एक ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ खत्म किया गया जो हमें कंफ्यूज करता है, क्योंकि पूरे के पूरे सीन को एंड के उस सीन में रिवर्स में खत्म किया जाता है, जहाँ पर हम हॉली के हाथों पर एक निशान देखते हैं जिससे पहले उसे एक विजन आता है, जिस विजन में हम जैक को देखते हैं, बट इसका ज्यादा कुछ खास असर होता नहीं, और ना ही हॉली की नेक पर ऐसा कोई निशान है जिससे कि हमें लगे एलक्यू को पूरी तरीके से हॉली को अपने कंट्रोल में रख रहा है। तो ये बस शायद हमें कंफ्यूज करने के लिए इसके एपिसोड के एंड के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया। और अब आ जाए रेल्फ पर, तो रेल्फ अब ग्रेवयार्ड जाता है अपने बच्चे के, ताकि वो ये सामना करे कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, जो वो पहले नहीं करता। यहाँ तक कि वो फ्रैंक की कब्र पे भी फ्लावर रखता है जिस बच्चे की मौत से इस सीजन की शुरुआत की गई थी। और वहीं पर वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि उसे उसके बच्चे के सपने आते हैं, जिसके बाद उसकी वाइफ उसे यही कहती है कि उसे अब इन सब चीजों को जाने देना चाहिए, यानी उसकी बेटे की आजादी, जिसे वो पल पल अपने इस डिप्रेशन में याद कर ऐसे ही फंसे रहने देना चाहता है। बट अब नहीं, क्योंकि सीजन के एंड में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन सिर्फ सीजन 2 के लिए इतना छोटा सा ही हिंट इसके सीजन 1 में नहीं दिया गया, बल्कि एपिसोड 9 के उस सीन में भी दिया गया है जहां पर डीए के ऑफिस में एक सेक्रेटरी आती है और एक और बच्चे की डेथ की रिपोर्ट करती है, ठीक फ्रैंकलिन की डेथ की तरह, जो शायद हो सकता है कि किसी दूसरे एलक्यू को ने किया हो, या फिर वही जो जैक के साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, जिस ट्रैवलिंग के दौरान ही उसने किसी न किसी एक बच्चे को मार दिया होगा, या फिर कुछ और जिसके बारे में आप भी सोच सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट इसके एपिसोड 9 में दिया गया है जिसकी एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से नहीं की गई। यानी सच में सीजन 2 के लिए कुछ ना कुछ तो सेट किया ही गया है। और ऊपर से हॉली के कैरेक्टर को भी बाकी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दिया गया, जहां पर वो टेरी के केस के साथ साथ शायद दूसरे और केसेस को ढूंढे, क्योंकि वो इन्हीं में बहुत ज्यादा स्पेशल है, यानी एक ऐसे गिफ्ट के साथ पैदा होना जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी अगर दुनिया में भगवान एलक्यू को है, तो डेफिनेटली हॉली जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद है, जो कितने भी फ्लोर की बिल्डिंगों को देखकर उसकी फीट बता सकते हैं, और कोई भी चीज को हॉली जल्दी भूलती नहीं। यानी हॉली को बचपन से ही एक गिफ्ट दिया गया, जिससे ये साफ हो जाता है कि हॉली कितनी ज्यादा स्मार्ट पर्सन है, और इसीलिए वो डिटेक्टिव बनी, जिसके चलते उसने काफी सारे केसेस को सॉल्व किया, इतने कि उसका नाम बाकी डिटेक्टिव भी रिकमेंड करते हैं, और इसी के चलते डीए रेल्फ को हॉली को हायर करने के लिए कहते हैं कि हॉली से अच्छा इस केस को और दूसरा कोई हैंडल नहीं कर सकता। खैर, तो हॉली की पावर्स के पीछे क्या रीजन है वो साइंटिस्ट तक पता नहीं लगा पाते, जिसके चलते ये सीजन हमें यही समझाता है कि जो चीजें हम इंसान नहीं समझ सकते वो हमारी सोच के परे है, जो कि सीधे सीधे भगवान ने क्रिएट की है, जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कोई चीज है तो वो क्यों है। और इसका पूरा सीजन 1 भी हमें यही एक्सप्लेन करता है कि उन चीजों में विश्वास रखा करो जिस पर आप नहीं रखते। और अब इस सीरीज के टाइटल की बात करें जो कि आउटसाइडर है, तो इस सीरीज में मुझे दो आउटसाइडर नजर आए, एक तो खुद अलकू को जो हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था, और दूसरी थी हॉली, जिस पर अभी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। तो अब देखते हैं आगे चलकर हमें इसके सीजन 2 में अलकू का क्रिएचर दिखाया जाएगा या फिर कोई और, क्योंकि मेरे हिसाब से इस कहानी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। और सीजन 2 अगर बन रहा है, जो कि डायरेक्टर ने भी कंफर्म किया है, तो उसे अलग हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो अब आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स के शो दी आउटसाइडर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ये भी कि आपको मेरी ये मेहनत कितनी ज्यादा पसंद आई। अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।